गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के बज गए हैं 5 और ये देखो ये दीदी आ गई हैं बर्तन धुलने, सीमा दीदी। और अच्छा, कई लोग मेरे से बोल रहे थे कि आपके यहाँ जो काम करते हैं उनका नाम लिया करो, वरना वो कन्फ्यूज़न होता है, दीदी दीदी बोलते हो। तो वो क्या है ना, आदत नहीं है ऐसे बोलने की, दीदी ही बोलता है इसलिए वो दीदी ही निकलता है। तो यहाँ पर देखो बारिश हो रही थी और मौसम इतना मतलब आप लोग देख सकते हो कितना पानी मतलब गुफा हुआ है, क्या बोलते हैं, तो बस वही बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पर ही घूम रही थी। मतलब बारिश हो गई थी, रुक गई थी, तो मैं यहाँ पर मैंने वीडियो शूट की थी। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं हमारी कार खड़ी होती है, तो जो कि अभी बाहर खड़ी है, तो यहाँ पर इसलिए खाली है अभी। और ये पीपल के नीचे यहाँ पर बाइक और स्कूटी खड़े होते हैं। और ये देखो यहाँ पर हमारे हो गई तुलसी मैया, जहाँ पर मैं सुबह जल चढ़ाती हूँ। ये देखो ये दूसरे नंबर वाला पेड़ है, वो है तुलसी मैया हमारी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है तारीख 7 अक्टूबर और अभी शाम को बज गए हैं 5:15 और यहाँ मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये देखो मैं यहाँ पर ही बैठ गई थी और पानी भी गिर रहा है। तो 2-3 दिन से पता नहीं डेली बारिश हो रही है, मतलब उड़ीसा में बोल रहे हैं अभी वहाँ पर बारिश होने का मतलब दिखा रहा था टीवी में, बट इधर भी उसके असर नज़र आ रहे हैं मेरे को। और ये देखिए गाइस, ये गेहूं के बोरे रखे हुए हैं तो यहाँ पर ही रखे हुए हैं। अभी बारिश हो रही है तो बल्कि थोड़ा बहुत बौछार अंदर भी आती है ना, तो वही लग रहा है कि गीले हो जाएंगे तो फिर कहीं ख़राब ना हो जाए। मतलब बाहर ही रखे हैं, 3-4 दिन हो गए इनको आए हुए, तो अभी रोज़ ही बारिश हो रही है 2-3 दिन से। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी क्योंकि अंदर ना टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी बाहर घूम के आती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो बस इसलिए मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी देर बात भी कर लेती हूँ और बातें भी हो जाएंगी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर घूम कर आती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सो गाइज, आ जाई थी हमारे यहाँ राई की भाजी, तो यही मम्मी वही भाजी वगैरह धुल रही थी। और आज हम लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत टेस्टी लगती है। और ये देखो ये ना भाभी का बेटा आया हुआ था विहान, ताई जी की मतलब ताई जी की बहू है। और ना यहाँ पर बर्तन, एक्चुअली आज वर्षा दीदी जो है हमारे काम में जो आती हैं वो आई थी, लेकिन बर्तन वैसे रोज़ पोछ कर वही जब आ जाती हैं, पर उनको आज लेट हो रहा था, जल्दी जाना था, तो इसलिए वो ऐसे छोड़ गई थी। तो मैंने बोला चलो ये मैं ही पोछ कर जमा देती हूँ। एक्चुअली हम लोग जो रोज़ के बर्तन भी है ना, तो वो उसको पोछ कर जमाते हैं, क्योंकि वो ड्रायर में ना पानी टपकता है तो फिर इसलिए वो ड्रायर भी ख़राब होते हैं और अच्छा भी रहता है, जमा कर रखो सेट रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं पोछ लेती हूँ सारे बर्तन, फिर इसके बाद ना जल्दी जल्दी से जमा दूँगी। सो गाइज, यहाँ पर मैं बर्तन जमा ही रही थी तो दीदी भी आ जाती हैं, और यही दीदी यहाँ पर अगर बैठ जाती तो हम लोग बातें भी करते जाते हैं, गप्पे सप्पे भी चलती जा रही है हम लोग की। और यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह भी जमा रही हूँ, तो बस ये देखो आप दीदी के पैर देख रहे हो गैस पट्टी के ऊपर आके वो बैठ गई थी मतलब। तो बस हम दोनों बात भी कर रहे थे और बस दोनों काम हो रहा था साथ में। एक्चुअली कुछ बात हो रही थी मुझे याद नहीं है, तो वो दीदी मेरा हाथ पकड़ ली थी और बस हम लोग की कुछ बातें हो रही थी, याद नहीं है मुझे उस टाइम पे क्या बात हो रही थी, तो बस वही। और ये अब चली गई हैं दीदी और मैं फटक से जल्दी, और भी काम है मुझे तो मैं जल्दी से किचन के काम निपटा लेती हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया सरसों की भाजी आई थी, तो हम लोग सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रहे थे। तो ये देखिए कुकर में ना मैं भाजी, एक्चुअली मम्मी धोकर रख दी थी, तो बस मैं कुकर में लगा रही थी, 1-2 सीटी ले लूँगी ताकि वो भाजी अच्छे से पक जाए, और बस इसलिए मैं इसको कर रही थी। और मम्मी भी कुछ काम कर रही थी साथ में, तो मैं और मम्मी दोनों भिड़े हुए थे, जल्दी जल्दी से काम लग रहा था, बना लो भाजी। फिर ना खूब गर्मी भी पड़ रही है, अभी बारिश हो रही है भले ही, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है, तो मम्मी अकेले नहीं मतलब करवाती रहती हैं, इनसे बोलते रहो मम्मी मत करिए हम कर लेंगे, तो लेकिन उनकी आदत ही है, मतलब कुछ ना देती हैं, प्याज काट दी दाल के लिए, टमाटर काट दिया, मतलब उनकी आदत ही ये करवाती रहती हैं, तो बस वही।
और मैंने यहाँ पर हम लोग के यहाँ एक्चुअली दूध कर लिया था ना, तो दूध ना वो पता नहीं अच्छा नहीं आया था, शायद फट सा रहा था, तो बस वही मतलब अजीब सा हो रहा था दूध। तो मम्मी वही बोली कि वो फेंकने से अच्छा है पनीर बना लेते हैं, तो इसलिए वही दूध को मैंने चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए, और इसके बाद ना इसी में से मैं पनीर बना लेंगे हम लोग। और क्या बोलते हैं उसके लिए टमाटर सॉरी प्याज किस रही थी एक्चुअली मिक्सी से, मम्मी बोली कि वो एकदम बारीक पिस जाती है ना मिक्सी में, तो वो किसनी से कद्दूकस कर लेंगे प्याज को। तो और तो इसी से ही यही प्याज से ही मैं मतलब सरसों का साग बनाऊंगी, तो वो मिक्सी में बहुत बारीक पीस जाता है, और वो जो आप लोग कद्दूकस करोगे ना तो उसमें लच्छे लच्छे से होते हैं, तो वो बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर ये देखो मम्मी अब प्याज ही छील कर दे दी, तो मैं फटाक से जल्दी जल्दी किस ले रही हूँ, और टमाटर भी किस के ही मतलब डालेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सोच रहे होंगे मैं रो क्यों रही हूँ। एक्चुअली मैंने प्याज की है, इतनी तेज़ प्याज है ना कि समझो आंसू रुक ही नहीं रहे, बहुत तेज़ प्याज है। तो आज मैं बना रही हूँ राई की भाजी। सरसों का साग सुना होगा आप लोग ने, तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे बनती है। सो गाइज ये देखो जो बाउल में मम्मी निकाल रही हैं तो ये है राई की भाजी, और जो कुकर में डाल रही हैं वापस से वो पालक की भाजी और राई की भाजी दोनों मिक्स है, तो हम लोग दोनों मिक्स करके बनाएंगे। और ये कुकर में मम्मी लगा रही हैं एक सीटी इसकी और ले लेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और एक्चुअली चनिया में कभी आती नहीं थी राई की भाजी, तो मुझे नहीं आती है बनाना, लेकिन मैं जैसे मेरे से बनता है मतलब नॉर्मली तो मैंने वैसे ही बनाई है, बट बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही बढ़िया लगी थी सबको, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सो गाइज ये देखो ये मिक्सर में ना मैं डाल रही थी भाजी, क्योंकि वो बहुत गर्म थी इसलिए मैंने, मेरे को बर्तन समझ में नहीं आ रहे थे तो कढ़ाई रखी थी, तो मैंने इसी में ही निकाल ली थी, तो बस ये ठंडी हो गई है, हल्की हल्की गर्म है इसलिए भाप लग रही है, और बस इसको मैं जार में डाल रही हूँ, जल्दी से पीस लूँगी। देखिए राई की भाजी को हम लोग ने ना इसको उबाल लिया है, उबालने के बाद इस तरीके से पीस लिया है। तो कढ़ाई को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, उसमें ऑयल भी डाल दिया था, ऑयल गरम हो चुका है, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का, तीनों का मैंने मतलब कूट लिया था, तो ये देखो मैंने इसको डाल दिया है, इसको हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें जो मैंने प्याज किसी थी ना कद्दूकस की थी वो प्याज डालेंगे, पहले तो इसे हल्का सा सौते कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखो मैंने इसमें डाल दिया है ये प्याज, और इसे भी हल्का सा भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो रहता है वो ना निकल जाए, और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि वो प्याज अच्छे से पक जाए। सो आप लोग देख सकते हैं प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, और इसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, धना पाउडर डाल दूंगी, लाल मिर्ची डाल दूंगी, और इन सबको मिक्स कर लूंगी, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और भून लूंगी ताकि जो है मसाले अच्छे से पक जाएं। और मैंने ये डाल दिया है टमाटर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि ये भी टमाटर डालने के बाद जल्दी पक जाए, तो बस इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा और भून लेंगे टमाटर को भी, और इसमें भी ऑयल एक्स्ट्रा जब छोड़ देगा ना तब समझ में आ जाएगा कि टमाटर भी भून गए, तो इसको हल्का सा मीडियम फ्लेम पर भूनती रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं पनीर डाल रही हूँ, एक्चुअली दीदी को आप सब तो जानते ही हैं दीदी को पनीर बहुत पसंद है, तो इसलिए वैसे तो राई की भाजी में नहीं पड़ता है पनीर, लेकिन उन्होंने बोला डाल दो, पापा भी बोले कि डाल दो, तो इसलिए मैं ये पनीर काट रही हूँ उसी के लिए। और ये देखो इसमें ना थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है किचन किंग, और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाला है ताकि अच्छा कलर आ जाए, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं ना जो भाजी को पीस कर रखी है मैंने वो डाल दूंगी, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो है मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और नमक अभी मैंने नहीं डाला है, वही थोड़ा सा नमक डाला था, तो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी इसमें, और इसे पकने देंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए।
सो गाइस भाजी साइड में पक रही है और यहाँ पर मैं पनीर फ्राई कर रही थी। हल्की गोल्डन हो जाएंगे तो मैं निकाल लूँगी और ये लगभग लगभग तैयार हो गई है। एक्चुअली इसमें मैंने बताने को भूल गया है, थोड़ा सा ना जो मक्के का आटा है उसको घोल लिया था मैंने और उसी भाजी में डाल दिया है पकने के बाद। तो वो जो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि कभी भाजी वगैरह बनाओ तो वो अलग अलग सी रहती है ना, तो इसलिए थोड़ी सी बेसन या फिर मक्के का आटा, अभी मक्के की रोटी बन रही है, मतलब सरसों का साग बनाया है तो इसलिए थोड़ा सा उसी को डाला है, बेसन ना डाल के वो डाल दिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी गाढ़ापन है तो इसी की वजह से है। और ये देखो ये पनीर डाल दिया है मैंने, तो अब 2 मिनट के लिए और पका लूँगी ताकि जो है पनीर अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखो ये मक्के का आटा मम्मी ने गूंथ लिया है और उसकी रोटी आज बना रहे थे, मोटी मोटी रोटियां बनती है तो इसमें कुछ भी नहीं लिया है, जस्ट इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है और मक्के का आटा लिया है, उन दोनों को मिलाकर गूंथ लिया है और ये हमारी रोटी बन गई है, बढ़िया गोल गोल मोटी मोटी, और बस इसको सेकना है हमें। सो गाइज इसको ना एकदम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ताकि वो अच्छे से सिक जाए अंदर तक, क्योंकि मोटी रहती हैं इसलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी टाइम हो गया है 10:30 और खाना वगैरह सबका हो गया है, मैं रूम में आ गई और मैंने आज सरसों का साग बनाया था जो कि बहुत अच्छा लगा सबको और बहुत टेस्टी था। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोग तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।